सीएम की चर्चा सीएए की चर्चा के बीच पीएम नरेंद्र मोदी असम के दौरे पर हैं। ओडिशा के बाद आज वो असम में चुनावी बुगुल फूकेंगे। साथ ही साथ असम की मां कामाख्या कॉरिडोर समेत 11,000 करोड़ से ज्यादा की चुनावी सौगात भी देंगे। कल असम पहुंचने पर पीएम का जोरदार स्वागत हुआ। आज उनका मेगा शो होने वाला है। ...2024 के चुनाव से पहले पीएम मोदी का असम दौरा। प्रधानमंत्री असम को देंगे हजारों करोड़ के चुनावी गिफ्ट। मंदिर से स्टेडियम और हाईवे से हॉस्पिटल तक की सौगात। प्रधानमंत्री मोदी के मेगा शो के लिए असम तैयार है। तमाम विरोध के बावजूद सीएए लागू होने की चर्चा के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी असम के दौरे पर हैं। प्रधानमंत्री मोदी लोकसभा चुनाव से पहले असम पहुंचे हैं तो आज वो असम की 3 करोड़ से ज्यादा आबादी को 11,000 करोड़ से ज्यादा की चुनावी सौगात भी देंगे। मेरे परिवारजनों, मोदी की गारंटी उसके साथ है जिसके पास किसी का सहारा नहीं है, जिसका कोई नहीं उसका मोदी है। असम में पीएम मोदी का आज का मेगा शो किस तरह का रहने वाला है, उसकी झलक कल शाम को उनके गुवाहाटी पहुंचने पर ही दिखने लगा। पीएम मोदी शनिवार शाम को ओडिशा की यात्रा खत्म कर सीधे असम के गुवाहाटी हवाई अड्डे पर पहुंचे, जहां उनका स्वागत राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया के साथ साथ खुद मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व शर्मा ने किया। पीएम एयरपोर्ट से बाहर निकले तो सड़क के दोनों तरफ बड़ी संख्या में लोग उनके स्वागत के लिए खड़े थे। पीएम का काफिला धीरे धीरे लोगों का अभिवादन स्वीकार करते हुए निकल गया। रास्ते में उनके स्वागत में असम की लोक संस्कृति की झलक दिखी। गुवाहाटी के खानपाड़ा के वेटनरी कॉलेज के कैंपस में तो पीएम मोदी के स्वागत में 1,00,000 दिए जलाए गए थे। लोगों ने दिए से वेलकम मोदी जी लिखकर पूरे इलाके को रोशन कर दिया। हमारे हजारों कार्यकर्ता और साधारण जनता भी, हमारी दीदी बहनें यहां आई हैं और वो दीप प्रज्वलन करके उनको स्वागत कर रही है। हजारों लाखों की संख्या में दीप है और एक अद्भुत दृश्य आप देखिए कि कितना उत्साह है और कितनी सुंदरता से इन्होंने इसको सजाया है अपने हाथों से, और अब इतने हाथों से जला करके मोदी जी को स्वागत कर रहे हैं। शनिवार को गुवाहाटी पहुंचते ही पीएम मोदी अपने मिशन नॉर्थ ईस्ट में जुट गए। सूत्रों के मुताबिक प्रधानमंत्री ने शनिवार देर शाम को बीजेपी की प्रदेश कोर समिति के सदस्यों से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने असम में पार्टी के मामलों पर चर्चा की, साथ ही लोकसभा चुनाव की रणनीति की बात हुई। लोकसभा चुनाव से पहले पीएम मोदी मिशन नॉर्थ ईस्ट के तहत असम के दौरे पर पहुंचे हैं और आज वो इसी के तहत असम पर चुनावी सौगात की जोरदार बारिश करने वाले हैं। पीएम मोदी आज सुबह 11:30 बजे गुवाहाटी के खानपाड़ा में वेटनरी कॉलेज मैदान में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। पीएम मोदी असम को 11,599 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट के गिफ्ट देंगे। इनमें 498 करोड़ रुपए की मां कामाख्या देवी परियोजना, जिसे मां कामाख्या कॉरिडोर कहा जा रहा है, 358 करोड़ रुपए का गुवाहाटी में नए हवाई अड्डा टर्मिनल के 6 लेन की सड़क, 831 करोड़ रुपए में फीफा के मानक के मुताबिक नेहरू स्टेडियम को डेवलप करना और 300 करोड़ रुपए में चंद्रपुर में एक नया स्पोर्ट्स कैंपस तैयार करना शामिल है।